नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो कल है हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या में एक खास चीज़ यह है कि ये सावन की पहली अमावस्या होती है और इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ पीपल की भी पूजा की जाती है। तो अमावस्या के व्रत या अमावस्या के दिन अगर आप व्रत रखते हैं और अमावस्या के दिन आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इस वीडियो में आपको दी जाएगी पूरी जानकारी। तो सबसे पहले हरियाली अमावस्या की आपके हार्दिक शुभकामनाएं। और सावन का महीना चल रहा है, बारिश का सीजन है, हरियाली अमावस्या पे हरी चूड़ियां पहनने का रिवाज है और सभी जगह हरियाली होती रहती है। तो सबसे ज़्यादा हरियाली अमावस्या पे भगवान भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। तो इस दिन भगवान भोलेनाथ को मालपुए और खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर भगवान को भोग भी लगाना है और स्वयं खुद को खाना भी है। तो अमावस्या के दिन आपको क्या नहीं खाना है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि अमावस्या के दिन भूल से भी मांस और मदिरा घर में नहीं लाना चाहिए। अमावस्या के दिन प्याज मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पितरों को चोट पहुंचती है। इस दिन सब्जियों की बात करें तो हम कौन सी सब्जी खा सकते हैं कौन सी नहीं खा सकते हैं अमावस्या के दिन, लौकी, खीरा, चना, जीरा, सरसों का साग भी सेवन नहीं करना चाहिए। और अमावस्या के दिन खास तौर पे इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अमावस्या पर पीपल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आपको मैं आपको बता देती हूँ कि जो हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा तिथियों पर खास महत्व दिया जाता है कि कौन सी तिथि को क्या खाना चाहिए। अमावस्या एक ऐसी तिथि है जिस दिन की खास तौर पे आपको ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो अमावस्या तिथि के दिन हमें देखिए, एक तो ये होता है कि काफ़ी लोग इस चीज़ को मानते हैं और काफ़ी लोग बिल्कुल भी नहीं मानते। तो जो लोग मानते हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि अमावस्या तिल का तेल, लाल रंग का साग और कांसे के पात्र में भोजन करने से परहेज करना चाहिए। और ये चल रहा है सावन का महीना, तो सावन के महीने में बैंगन का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और हमें कुछ तिथियां हैं जिनका खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए और यह है कि इन तिथियों से हमें जो चीज़ हम खाते हैं वह चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो आज ये तो चतुर्दशी तिथि है लेकिन अमावस्या के दिन इन सब चीज़ों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। ये थी छोटी सी जानकारी आपके लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन